हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल पर आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए सेजवान सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है और इसमें एक ग्लास मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कटोरी लाल मिर्च ली है। अगर आप थोड़ा तीखा कम खाते हो तो आप आधा कटोरी मिर्च ले सकते हैं। इसके मैंने डंठल और थोड़ा सा बीज को निकाल कर अलग कर लिया है। और इसे हम इस पानी में डालकर 4-5 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर 4-5 टमाटर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिया, इसे इस तरह से कट लगा कर। और थोड़ा देखिए मिर्च हमारी बॉईल हो जाएगी, क्योंकि मिर्च को बॉईल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले मिर्च बॉईल कर लिया था फिर टमाटर ऐड कर रही हूँ। और इसे फिर हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह से देखिए छिलका अलग होने लगेगा, तब आप अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और इसे हम एक छन्नी की हेल्प से छान कर अलग कर लेंगे इसके पानी को। और इसके पानी को आप फेंकिएगा मत, तो उसे हम बाद में चटनी में यूज़ करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके इस तरह से निकल जाएंगे। तो आप ठंडा करके इसके छिलकों को निकाल दीजिएगा। मैंने सारे टमाटर के छिलकों को निकाल लिया और ये पानी आप साइड में रख लीजिए। और उसके बाद हमें इसका बहुत महीन सा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा हमें इसे दरदरा रखना है। तो मैं इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से आज पीस रही हूँ। आपके पास अगर मिक्सी है तो आप उसे थोड़ा पल्स मोड पर थोड़ा थोड़ा रुकते हुए पीसिएगा। थोड़ा दरदरा ही हमें इसे पीस कर तैयार करना है, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इस तरह से मैं इसे पीस कर रेडी कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे बहुत महीन नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि बहुत महीन हम पीस लेंगे तो सॉस हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आप देखिए कितना ये दरदरा सा मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है। तो बस इसी तरह से हमें इसका पेस्ट बनाना है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसमें मैं 1 चम्मच लहसुन एकदम बारीक काट ली हूँ और 1 चम्मच अदरक को बारीक काट के, और इसे 2 मिनट के लिए भूनकर फिर हमने जो टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये जो पानी हमारा बचा हुआ था वो भी हम इसमें डालकर थोड़ा सा मिक्स करके ऐड कर लेंगे। पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो पकाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप हिसाब से थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। 4-5 मिनट पकाने के बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक और 1 चम्मच यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। इसे भी डालकर 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सफ़ेद सिरका ले रही हूँ, वाइट विनेगर, ये 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। और इसे जब तक हम पकाएंगे, जब यहाँ पर ऑयल देखिएगा थोड़ा थोड़ा रिलीज न करने लगे, तब तक हम इसे पका लेंगे। तो 7-8 मिनट में ये पककर तैयार हो जाता है। और ये देखिए मैंने इसे ठंडा करके इस तरह से ग्लास के कंटेनर में इसे स्टोर कर लिया है, और इसे फ्रिज में रख कर आप 1-2 महीने तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस सॉस को आराम से 2 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।